एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी औरत से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कहकर वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उसने शादी कर ली। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊँगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी, मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को अक्सरक एक एक बात बता दी। आदमी डर गया, कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, यह प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है, आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भरे और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ है। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। हाँ, कोई भूत था ही नहीं, दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराबोध महसूस हो रहा था, और उसी वजह से तुम्हारे दिमाग एक भ्रम की स्थिति में पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था, मास्टर ने समझाया। पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जान जाता था, आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था, और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा, इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब बुरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर का धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।